रायबरेली जिले के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में भारतीय मजदूर संघ द्वारा बनाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तत्वावधान में सर्वप्रथम एमसीएफ मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदर सिंह बघेल की अगुवाई में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जीएम सेक्रेटरी पीके दुबे को सौंपा गया। उसके बाद फैक्ट्री में सरकार के द्वारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिटों के निगमीकरण एवं निजीकरण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नागेश सिंह व संचालन राकेश कुमार के द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मजदूर संघ के महामंत्री सुनील गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार रेलवे सहित सभी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। संघ के कार्यक्रम अध्यक्ष आदर सिंह बघेल ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के नियमानुसार आज एमसीएफ मजदूर संघ विरुद्ध सभा कर रहा है, क्योंकि छोटे छोटे सरकारी संस्थाओं के साथ साथ भारतीय रेल को भी भारत सरकार धीरे धीरे निजी हाथों में देने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते कल मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया था। सेवन के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम के साथ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आदर सिंह बघेल है, मैं एमसीएफ मजदूर संघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज हम अपने प्रोडक्शन यूनिट में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे देश में रेलवे की जोनल ऑफिस में हम जितने भारत देश में प्रोडक्शन यूनिट हैं वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट में निगमीकरण के खिलाफ, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ, सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।